हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडिंग फिजिक्स। आज हम चैप्टर 12 विद्युत, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें पहला हेडिंग है हमारा विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। आवेश के प्रवाह को ही विद्युत कहते हैं। यू कैन से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। मूल कणों के इस गुण को, जिसके कारण विद्युत बल उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं हम, अगर दो आवेश एक जैसे हों तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और यदि विपरीत आवेश हों तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला जान लेते हैं कि इक्वल होता है Ne। मात्रक है SI पद्धति में विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम्ब, जिसे हम इंग्लिश में कैपिटल C से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है I=Q/T। मात्रक इसका जानते हैं, SI पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसका अन्य मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है, जैसा कि इस फॉर्मूले के द्वारा निकाला गया है I=Q/T। Q का मतलब आवेश और T का मतलब समय। आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड, अर्थात कूलाम प्रति सेकंड। नेक्स्ट हेडिंग है 1 एम्पियर। यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित हो तो परिपथ में धारा 1 एम्पियर होगी। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत परिपथ, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। सतत का मतलब लगातार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, या बंद पथ हो, उसी को हम विद्युत परिपथ कहते हैं, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है। यह एक हमारा विद्युत परिपथ है। यह बैटरी है, इसमें तार के द्वारा एक बल्ब को जोड़ा गया है और इसमें एक अमीटर को जोड़ा गया है। इसे यहाँ पर एक की लगा दी गई है, तो इस प्रकार यह एक हमारा विद्युत परिपथ है। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत विभव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, जिसका फॉर्मूला होता है विभव इक्वल कार्य अपॉन आवेश। इसको एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं, जैसा कि यहाँ पर यह एक हमारा विद्युत क्षेत्र है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अर्थात यहाँ से यहाँ तक जितना कार्य करना पड़ेगा हमें, इस आवेश को अनंत से यहाँ तक विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं हम विद्युत विभव। V=W/Q, विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट है। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत विभवांतर, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा VA-VB=W/Q। मात्रक होगा वोल्ट अथवा जूल प्रति कूलाम। इसको एक डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। यह हमारा एक विद्युत क्षेत्र है। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं विद्युत विभवांतर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा 1 वोल्ट। यदि +1
गुलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु का विभव विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा, अर्थात 1 वोल्ट इक्वल 1 जूल प्रति कूलम्ब। नेक्स्ट हेडिंग है वोल्ट मीटर। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। इसे सदैव पास क्रम में जोड़ते हैं, अर्थात समांतर क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत परिपथ आरेख। इसे समझते हैं, इसमें कुछ अवयव और इनके प्रतीक हैं। जैसा कि 1 है विद्युत सेल, इसका प्रतीक है, यह इसका प्रतीक है। यहाँ पर एक प्लेट है धनात्मक प्लेट और दूसरी ऋणात्मक प्लेट, इसको जोड़ करके एक सेल बन जाता है। दूसरा है बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, इसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं, 1, 2, 3, इसमें 3 सेल हैं, तो इस संयोजन को हम बोलते हैं बैटरी। नेक्स्ट है खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच। यहाँ पर ये जो दिखाया गया है यह खुली प्लग कुंजी है। 4th है बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच, इसमें अगर डॉट का साइन आ जाए बीच में तो यह बंद मानी जाएगी। 5th है तार संधि। यह एक तार है, इसको अगर ऐसे करके कोई तार जोड़ता है तो इसको तार संधि कहते हैं। 6th है बिना संधि के तार क्रॉसिंग। यह एक तार है और यहाँ पर एक दूसरा तार है, लेकिन इसमें कोई संधि नहीं की कि इस तार को कुछ ऊपर से ऐसे करके निकाला जाता है। 7th विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब का जो संकेत है वो कुछ इस प्रकार से होता है। 6th प्रतिरोधक या प्रतिरोध, इसका जो संकेत है वो इस प्रकार से होता है। 9th है परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक। इसके 2 सिंबल होते हैं, यानी प्रतिरोध को इस प्रकार से कर दें या इस प्रकार से कर दें तो यह हमारा धारा नियंत्रक कहलाएगा। 6th है अमीटर, इसमें ए होता है, एक साइड धनात्मक एक साइड ऋणात्मक, तो यह अमीटर है। वोल्ट मीटर का सिंबल इसमें वी होता है, इसमें एक साइड धनात्मक दूसरी साइड ऋणात्मक। 7th हेडिंग है ओम का नियम, ओम्स लॉ। 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने एक सिद्धांत दिया। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए विद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात नियत होता है। ओम के नियम के अनुसार वी अनुक्रमानुपाती आई, वी इक्वल अनुक्रमानुपाती का जब साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाता है, जैसा कि यहाँ पर है आर लिया है हमने, इक्वल का साइन लाएंगे, आर कांस्टेंट है, जहाँ आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है। नोट समझते हैं, ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर एक धातु है और यह हमारा वी विभवांतर है और यह हमारा विद्युत धारा है। नेक्स्ट हेडिंग है 1 ओम। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर, यह इसका सूत्र है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा परिवर्ती प्रतिरोध, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसे समझते हैं, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित
करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है धारा नियंत्रक, करंट कंट्रोलर। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और या दूसरी परिभाषा दे सकते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध इसके सिरों पर आरोपित विद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो नंबर एक, चालक के पदार्थ पर निर्भरता। एक ही ताप पर समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले लेकिन भिन्न भिन्न पदार्थों के तारों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। नंबर सेकंड है लंबाई पर निर्भरता। चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा। नेक्स्ट हेडिंग है अनुप्रस्थ परिच्छेद पर निर्भरता। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, अर्थात चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर अनुक्रमानुपाती वन अपॉन ए, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा और क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग है ताप पर निर्भरता। ताप बढ़ाने से धात्विक चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट हेडिंग है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कह सकते हैं हम। एक सेंटीमीटर लंबे तथा एक सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहलाता है, जिसको हम आर अनुक्रमानुपाती एल, आर अनुक्रमानुपाती वन अपॉन ए, समीकरण एक मान लो, समीकरण दो मान लो। समीकरण एक व दो से जब करेंगे तो आर अनुक्रमानुपाती एल अपॉन ए हो गया, और जब भी हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाता है, जैसा कि इसमें रो ले लिया है तो आर इक्वल रो एल अपॉन ए, रो इक्वल निकालेंगे तो आर ए अपॉन एल, इसका मात्रक ओम मीटर होगा। नेक्स्ट हेडिंग है प्रतिरोधकों का संयोजन, श्रेणी संयोजन तथा पार्श्व संयोजन, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला फर्स्ट नंबर करते हैं हम श्रेणी संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसा कि इसमें दिया गया है। ये हमारा एक बैटरी है और इसमें जो प्रतिरोध R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं जिनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। माना प्रतिरोध R1, R2 व R3 परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा धारा I इस परिपथ में प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोधकों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हो तो ओम के नियम से फॉर्मूला होता है V=IR। तो यहाँ पर लिखेंगे V=IR, पहले के लिए निकालेंगे
प्रथम के लिए तो वी वन इक्वल आई आर वन होगा, प्रतिरोध आर वन होगा, धारा इसमें समान होगी, पूरे में ही समान बहेगी। वी टू निकालेंगे तो वी टू इक्वल होगा आई आर टू, वी थ्री इक्वल आई आर थ्री। परिणामी विभवांतर निकालेंगे तो वी इक्वल होता है वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। वी वन वी टू वी थ्री का वैल्यू पुट करेंगे तो वी इक्वल हो जाएगा आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। इसमें से सभी में से आई कॉमन हो जाएगा, वी इक्वल आई ब्रैकेट में आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ओम का नेम वी इक्वल आई आर, इसे इक्वेशन सेकंड डाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट समीकरण एक व दो से इसके इक्वल, इसे करेंगे तो इसके इक्वल यह होगा, अर्थात आई आर इक्वल आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आई से आई कैंसिल, आर इक्वल आ जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो यही हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब नेक्स्ट हेडिंग है पास संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यह जो डायग्राम है इसको पास क्रम में जोड़ा गया है, तो इसमें प्रतिरोध आर वन आर टू आर थ्री तीन प्रतिरोध हैं जो कि पास क्रम में यानी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। माना बैटरी के धनसरे से धारा प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर आई धारा है जो जब प्रवाहित होगी तो यहाँ पर तीन तार हैं, एक दो तीन, तो यह तीन तारों में डिवाइड होगी। तो पहले में धारा मान लो आई वन, दूसरे में आई टू, माना जिसमें धारा आई थ्री प्रवाहित होगी, तो जब ये यहाँ पर जुड़ेंगे तो फिर पुनः धारा इसमें आई हो जाएगी। यहाँ पर एक की जुड़ी हुई है और यहाँ एक बैटरी है। माना आर वन आर टू व आर थ्री तीन प्रतिरोधों को पास क्रम में जोड़ा गया तथा धाराओं का मान क्रमशः आई वन आई टू व आई थ्री लिया तथा परिपथ का विभवांतर वी हो, तब फॉर्मूला ओम के नियम से निकालेंगे हम। यदि आई वन इक्वल निकालते हैं, आई इक्वल वी अपॉन आर वन होगा, इसमें विभवांतर समान होता है, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, इसमें विभवांतर समान होगा। तो आई वन इक्वल वी अपॉन आर वन, आई टू इक्वल वी अपॉन आर टू, आई थ्री इक्वल वी अपॉन आर थ्री। परिणामी धारा आई इक्वल आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। आई वन आई टू का और आई थ्री का मान लगाते हैं तो वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री। वी भी सभी में से कॉमन ले लेंगे तो वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। वी नो दैट आई इक्वल वी अपॉन आर, ओम के नियम से। इसे इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो इस प्रकार समीकरण एक व दो से होगा वी अपॉन आर इक्वल वी ब्रैकेट वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। वी से वी कैंसिल, वन अपॉन आर इक्वल आ गया वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो यह हमारा प्रतिरोधों का पास क्रम संयोजन है या समांतर क्रम संयोजन भी इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाते हैं, इसी को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। नंबर एक है विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन अथवा आर्गन भर देते हैं। बल्ब का तंतु अर्थात फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। तंतु का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होने पर बल्ब प्रकाश देने लगता है। इसका गलनांक बहुत ऊंचा 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर। यह तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। इसमें नाइक्रोम मिश्र धातु
का ताल लगा रहता है। नाइक्रोम किससे बनता है? निकल 80% व क्रोमियम 20% अगर मिला दिया है तो नाइक्रोम बन जाता है। नाइक्रोम उच्च ताप पर गर्म करने पर भी नहीं पिघलता, इसलिए इसका यूज करते हैं विद्युत हीटर में। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत इस्त्री इलेक्ट्रिक प्रेस, यह भी तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। इसमें भी नाइक्रोम मिश्र धातु का तार लगा होता है तथा एक अभ्रक की पतली चादर सपाट रूप से लिपटी रहती है। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है W इक्वल V इंटू Q जूल और W इक्वल VIT या W इक्वल I² RT या W इक्वल V² T/R जूल। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P = W/T फॉर्मूला होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, एक वाट बराबर, इसके लिए भी समझते हैं, यदि एक जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा क्षय हो तो शक्ति एक वाट कहलाती है। इसका दूसरा फॉर्मूला था P = VI, वी इक्वल होता IR, इस वैल्यू को इसमें लगा देते हैं तो P = I² R और I = V/R होता है। इस वैल्यू को यदि हम इसमें लगा देते हैं तो यह आएगा P = V² R। सूत्र होता है यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणा घंटा बट्टे 1000। नोट समझ लेते हैं, विद्युत शक्ति का संचरण पावर स्टेशनों से घरों तक, घरों तथा कारखानों में संचरण केबल द्वारा किया जाता है। केबल जो होती हैं बिजली की, उनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो कि किसी परिपथ में एक घंटे में छः होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत ऊर्जा हो। एक यूनिट बराबर या 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल और एक शक्ति बराबर, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट।